मिस्टर शमशेर सिंह, तुम्हारे डैड के अचानक मौत के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। He was a nice man. अफसोस? अफसोस किस बात का मिस्टर शमशेर? मेरे बाप ने मरकर कोई नया काम नहीं किया। You die, but you gotta die. Please sit down. तुमने यहां की सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी है बलविंदर। गार्ड्स भी काफी अलर्ट है। मेरे ही बेस पर मेरी तलाशी ली गई। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है मिस्टर शमशेर, ये लोग तो मुझे भी फ्रिस्क करते हैं जब मैं यहां पर आता हूं। और रही बात इस बेस की, तो ये अभी भी तुम्हारा है, लेकिन जब आप यहां से जाएंगे, ये सारी प्रॉपर्टी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा हो जाए। I'm all ears, Bandhu. Go on. आज से हमारी 20% की पार्टनरशिप होगी, और रही बात मेरे बाप की 20 साल की लॉयल्टी की, तो उसके बदले में आपको ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। और अगर मैं ना कहूं तो फिर आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान के लिए तैयार हो जाइए। आपके हथियार वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज को सप्लाई होते हैं, उनमें कितने लाइसेंस्ड हैं और कितने अनलाइसेंस्ड, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी। मुझे ये बात सिर्फ उन कंट्रीज को लीक करनी है, और आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स कैंसिल। यू हैव कंप्लीटली गॉन ऑन डिबल। तुम्हारी इस छोटी सी लालच के लिए मैं ईगो में आकर अपना बिजनेस बंद तो नहीं कर सकता। लाओ प्रॉपर्टी के पेपर्स में साइन कर देता हूं। नाइस पेन। हियर ग्राम, गिव अस योर $20,000। यू लाइक इट? हियर, कीप इट। यू नो मिस्टर शमशेर सिंह, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी आसानी से मान जाओगे। मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर पहले तुम्हें गुस्सा आएगा, और फिर मुझे मेरे तरीके से तुम्हें समझाना पड़ेगा। बट इज अ सीक्रेट। मेरे बड़े भाई साहब कहा करते थे, गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इसके पहले मैंने डिसीजन लिया, एंड नाउ आई एम गेटिंग एंग्री, वेरी एंग्री। मेरे गांव जिला हांडिया में एक कहावत है, जब शेर जंगल में शिकार करता है तो पहले वो खुद खाता है, फिर उसे कीड़ और किट खाते हैं, और जो कुछ बचा कुचा होता है उसे जमीन के कीड़े मकोड़े खाते हैं। और मेरी नजर में तेरी औकात कीड़े मकोड़े की भी नहीं है। शमशेर सिंह, तुझे अपने गुस्से पर काबू होगा, मुझे नहीं है। और ये मत भूल कि तू यहां पर नियुक्ता है, तुझे जिंदा भी वापस जाना है। काम डाउन, काम डाउन। तेरे आदमी के पास जो खिलौने हैं ना, वो मैं मैन्युफैक्चर करता हूं। और रही बात वापस जाने की, शायद तुम नहीं जानते, मैं कोई काम इंश्योरेंस के बिना नहीं करता। पेन को छूने की कोशिश मत करना, यह टच सेंसिटिव है। $20,000 के इस पेन में 20 ग्राम जिलेटिन है, जिसका डिटोनेटर मेरे हाथ में है। अपने आदमियों से कहो जोर से सांस भी ना ले। जैसे ही मैंने अंगूठा दबाया, तुम्हारे दिल के पास एक छोटा सा धमाका होगा, एंड इट विल ऑल बी ओवर। तुम्हें यह हमेशा बताया था पल्लू, इस आदमी से पंगा नहीं लेने का। यह आदमी बहुत ही खतरनाक। ओह गॉड, से डू समथिंग। हेलो सर। साइरस, आज से बेस तुम संभालोगे। थैंक यू सर। बलविंदर को फोन देना। जाने से पहले एक बात बताना भूल गया पल्लू, द डील इज ऑफ। Thank you.
जेट से अलशिफा आइलैंड की सबसे बड़ी आर्म्स फैक्ट्री का मालिक। 25 साल पहले हिंदुस्तान के हंडिया डिस्ट्रिक्ट में इस पर इलीगल आर्म्स बनाने और सप्लाई करने का आरोप लगाया गया, लेकिन अरेस्ट होने से पहले ही ये अपनी फैमिली के साथ भागकर इस आइलैंड पर आ गया। अब ये यहीं से ऑपरेट करता है। ये है रघुवेंद्र सिन्हा उर्फ रघु, शमशेर सिंह का बॉडीगार्ड और मैन फ्राइडे। इज रॉयल शार्प एंड अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ये है राणा सिंह, शमशेर सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन। दुनिया में ऐसा कोई लीगल काम नहीं है जिसमें इसने अपनी नाक न डाली हो। ही इज पावरफुल, इवन एंड डेंजरस। संजय शमशेर सिंह की इकलौती बेटी। इसका पैशन है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, ऑल्सो हाईली ट्रेन्ड इन थ्री फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। हाथ पांव ही नहीं, अपना दिमाग भी बड़ी होशियारी के साथ चलाती है। शी इज बोल्ड, स्मार्ट एंड वेरी एम्बिशियस। ये है संजना का ट्विन ब्रदर सूरज सिंह। जितनी तेज इसकी गाड़ियां हैं उतना ही तेज इसका गुस्सा, जिसकी वजह से इसकी सोशल लाइफ इसके पैसे के बलबूते पर चलती है। इसकी एक खासियत है, ये करता पहले और सोचता बाद। ये है यश, सिंह फैमिली का ट्रबल शूटर और सिकंदर सिंह का करीबी दोस्त और बॉडीगार्ड। ये बोलता कम और मारता ज्यादा है। ही इज लॉयल एंड लवेबल बट एक्सट्रीमली लीथल। शमशेर सिंह का सौतेला बेटा और सूरज और संजना का सौतेला भाई। इसने अपनी जिंदगी के कई साल बीजिंग में गुजारे। शमशेर सिंह के बाद इस फैमिली का सबसे पावरफुल आदमी सिकंदर सिंह है। अब तुम्हारे पास पूरी सिंह फैमिली का ब्रीफ है और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। लेट दिस रेस बिगिन। It's John. Target's inside. Your convoy. Good. Make sure you get him this time. That's better. He's over. Consignment will reach you on time. Stop!
बोलिए। तुम्हारे डैड पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है सूरज। व्हाट? हाउ इज दैट? नाउ डोंट वरी, वो सेफ, मेडिकल टीम उनके साथ। लकीली बुलेट उनके कंधे को सिर्फ ग्रेस करके निकल गई। रघु जी, हु डिड दिस? राणा के अलावा और कौन हो सकता है? राणा द डेड मैन। क्या कह रहा था सूरज? बहुत गुस्से में था, मुझे लगता है वो राणा के वेयरहाउस के लिए निकला। बहुत बड़ा इडियट है लड़का। अब ये गया तो साथ में संजना भी गई होगी। सिकंदर तक मैसेज पहुंच चुका है।
ये वो है जो हमेशा मेरे मुश्किल में काम आई है. समझ लो इसमें मेरी जान है. माय लकी मैस्कॉट. आज से ये तुम्हारी है. रियली थैंक यू. शी इज ब्यूटिफुल. कीप इट सेक्सी अंकल. थोड़ी सी तो जलन हो रही होगी ना. थोड़ी नहीं बहुत बहुत. जलन नहीं खुशी हो रही. मेरी नजर थी इस पर. बट यू सर थैंक यू. रघु जैसे ही सूरज संजन आए उनसे कहो मुझे डर में आके मिले. और हां देखो तो सही हमारा लॉयर कहां तक पहुंचा. आओ वकील साहब आओ. वेलकम. हेलो सर. हेलो. आई होप यू आर ओके नाउ. नथिंग जस्ट स्क्रैच. इन्हें बचाना. ये हमारे फैमिली वकील हैं श्रीकांत वर्मा. हाय सर. हेलो. अरे बैठे बैठो. तुम लोग कहां जा रहे हो? ये आज खास तुम दोनों के लिए आए. जी जी कॉफी श्रीकांत. नो थैंक यू सर. इच्छुर वकील साहब कुछ हफ्ते पहले आप दोनों का 25वां बर्थडे था. तो मैं आया हूं आपकी मदर का विल एग्जीक्यूट करने. ओ नाइस. आपकी मां सुमित्रा सिंह ने अपनी अलशिफा की प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में बांटा था. इस प्रॉपर्टी का 50% उन्होंने सिकंदर के नाम किया था जो मैं कुछ साल पहले ही उनके नाम कर चुका हूं. और 50% उन्होंने आप दोनों के नाम पर किया था जिसे अब एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है. 25% ईच. तो ये हैं विल के पेपर्स और बेटा आप दोनों के सिग्नेचर यहां पर. Here, sir? Yes. Congratulations, beta. Aaj se aap dono is property ke 50% partners. Okay, sir. Main chalta hoon. See you soon. Thank you, sir. See you, sir. Bye. Bye. Ye kya tha, bro? Like, seriously? 25-25. Aur usko poore 50. Really, Dad? माँ ने भी हमारे साथ वही किया जो आप हमेशा करते आए हैं. हम आपके बच्चे हैं या वो? तुम भी और वो भी. क्योंकि सिकंदर तुम्हारे भाई जैसा है. योर कजन. कजन ब्रदर. ये कब हुआ डैड? वो मेरे बड़े भाई रणछोड़ सिंह का बेटा है. आज से 27 साल पहले इलाहाबाद के जिला हंडिया में हम दोनों भाइयों की एक छोटी सी आर्म्स फैक्ट्री हुआ करती थी. इस फैक्ट्री में जो भी हथियार बनते थे वो सिर्फ इंडियन आर्मी को सप्लाई किए जाते थे. हंडिया के लोकल पॉलिटिशियन गजेंद्र पाठक और उसका बेटा नरेंद्र दोनों ये चाहते थे कि हम उन्हें इलीगली हथियार सप्लाई करें. मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं मैं इलीगल काम नहीं करता. लेकिन हमारे भाई साहब ने इनकार कर दिया और उनके साथ हमारी दुश्मनी होगी. जानता है किससे बात कर रहा है. इस बात का असर घर पर भी पड़ा. सुमित्रा जो अपने बेटे सिकंदर से बहुत प्यार करती थी अब थोड़ी परेशान रहने लगी. एक हफ्ते बाद हमारे हथियारों की डिलीवरी आईवे से जा रही थी. हम ट्रक्स के साथ थे क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी गजेंद्र ने हमारे ट्रक्स हाईजैक करने का प्लान बनाया है. और ऐसा ही हुआ. उसके आदमियों ने हमें अचानक घेर लिया. उस मुठभेड़ में गजेंद्र का बेटा हमारे हाथों मारा गया. बेटे की मौत से गजेंद्र पागल हो गया. उसने कसम खाई कि वो हमारी फैमिली को बर्बाद कर देगा. और उसका पहला शिकार बने हमारे भाई साहब. भाई साहब की मौत के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ. अपनी पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करके गजेंद्र ने यह साबित कर दिया कि हम आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करते हैं. हमारी फैक्ट्री बंद हो गई. हमें गद्दार साबित कर दिया गया और हमारी पूरी फैमिली की जान खतरे में पड़ गई.
मैंने फौरन सिकंदर को रघु के साथ बीजिंग भेज दिया और खुद सुमित्रा को लेकर यहां अलशिफा चला आया। यहां बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए भाई साहब ने पहले से एक छोटा सा आइलैंड खरीद रखा था। अपनी मेहनत से मैंने यहां एक आर्म्स फैक्ट्री खोली। परिवार की रीति रिवाज के हिसाब से मैंने सुमित्रा के सर पर चादर डाल दी और उससे शादी कर ली। एक साल बाद तुम दोनों पैदा हो गए। तुम दोनों के पैदा होने के बाद सुमित्रा बीमार रहने लगी और कुछ ही दिनों में बेचारी चल बसी। अगर गुस्से में आकर उस दिन हमने गजेंद्र के बेटे को नहीं मारा होता तो आज हम अपने देश में होते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं, अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो हम बहुत जल्द अपने गांव वापस जाएंगे, हांडिया वापस जाएंगे और सब साथ मिलकर हंसी खुशी एक परिवार की तरह रहेंगे। दोनों चले गए, उन पर कोई असर नहीं हुआ। They will change. What the hell is happening, bro? क्या हुआ? कुछ नहीं, वहां मॉम ने अपनी 50% प्रॉपर्टी सिकंदर के नाम कर दी है और यार डैड को हांडिया जाना है। Who wants to go to हांडिया मैन? Calm down, सूरज। मॉम का विल सुनते मुझे तुमसे ज्यादा गुस्सा आया था, पर आई कंट्रोल मायसेल्फ। और जब भी डैड सिकंदर की तारीफ करता है ना, माय ब्लड बॉइल्स। आई स्वेयर, बट आई डोंट शो इट। और अगर हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सिकंदर को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि मेरे और तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना सूरज? ऑफकोर्स ब्रो। गुड, ऑफकोर्स। सब इतने बड़े लूजर्स हैं यार। क्यों भाई, सब कुछ तो है हमारे पास। ये करेक्ट, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन जो इनके पास है ना वो हमारे पास नहीं है। हाँ यार, इन सबके पास तो पार्टनर्स है। एवरीबडी हैज अ गर्लफ्रेंड ब्रो, दे आर ऑल इन लव। लाना था हम सब पे यार। हम सब पे नहीं, हाँ तुम तीनों पर। हा? हा? मतलब? मतलब कि कुछ देर पहले मुझे एक लड़की मिली। ओह रियली? एंड आई फॉल इन लव। ओह वाओ। और कुछ दिन बाद वो इन दोनों की पार्टी पर आ रही है। इट्स अ डन डील। इज दैट राइट? साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड विद अ किस। यस, चीयर्स। 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 हैप्पी फॉर यू ब्रो। तू इतना उदास क्यों हो रहा है? तुझे भी तो एक अच्छी लड़की मिली है। ऐ नहीं थी। अगेन? यश यार, इस गुस्से का कुछ करना पड़ेगा। डरा दिया मैंने उसे। वो गुस्से से नहीं डरी, सूरत से डरी है। तू भी बोल दो यार सिक्कू भाई यार। चल ना ब्रो, मैं हूं ना। ये मेरी सही। इधर आ तू यार, इधर। हाँ हाँ आई सॉ दैट।
किस्मत ही खराब है आज। द प्रॉब्लम इज कि तुम तीनों ने ना मर्दों की स्टैंडर्ड्स इतनी रेज कर दी है कि ये सब मुझे इडियट्स नजर आते हैं। आई एग्री। पता जिस दिन मुझे वो लड़का मिल गया ना, सीधे डैड के पास जाऊंगी और कहूंगी आई एम इन लव, फिर शादी करूंगी, चार पांच बच्चे पैदा करूंगी एंड आई एम डन। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स ब्रो। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। कम ऑन बता दो। चलो जब सबने अपनी मन की बात कही दी तो मैं भी अपनी मन की बात शेयर कही देता। होल्ड ऑन ब्रो, गिटार बैकग्राउंड म्यूजिक भी तो जरूरी है ना। देयर यू गो ब्रो। रोमांस में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जरूरी है। तो जब मैं बीजिंग में था मुझे वहां पर एक निहायत ही खूबसूरत लड़की दिखी। Where are you? मैं आधी घंटी से यहाँ वेट कर रही हूँ। You're ditching? Bye. Indian. She lives lonely. We should speak to her. Yeah, you're right. Oh, be careful. She's Indian. We love India. Best of luck then. Hey, what are you drinking? Sorry, do I know you? No. You'll get to know. No, thanks. Yeah, what's your room number, huh? Okay, listen. You guys need to leave right now. I want to be your friend. No, seriously. I don't want to make a scene, but I will. You go for a drive. I'm a romantic guy. Hey, Nia, don't touch me. नमस्कार। नमस्ते एंड थैंक यू। यू वेरी वेलकम। एक्सक्यूज मी, तो अब तुम मुझ पे लाइन मारोगे ऑफिशियली? मेन आर ऑल द सेम। मुझे एक बात समझाओ, तीन गोरे यहां पर आके बैठे आपकी तारीफ की, वो आपको अच्छा नहीं लगा? एक हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तानी की मदद के लिए आया, वो भी आपको अच्छा नहीं लगा? इज़न्ट दैट काइंड ऑफ वेट वियर्ड? Weird. Yes, weird. मैं पैदा ही weird हुई हूँ। Oh, I like that. तो फिर बता दो कि कहाँ पैदा हुई, किस वक्त पैदा हुई, किस टाइम पर और क्यों? What's the purpose? ताकि जब मेरे बच्चे हों, I will avoid all these things totally. You are so weird. Thank you. That's not a compliment. Really? I am weird. Bye, weirdo. Oh shit. मेरा पीछा कर रही हो? पीछा? मैं यहां से आया हूं। ओ तेरा पीछा मैं छोड़ूंगा सोनिए। लिसन, दिस इज टू मच। लगता है मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। आई यू नो स्वीट हार्ट, दिस इज अ वेरी कॉमन कोइंसिडेंस। ये टू बेडरूम स्वीट मेरा है और ये कॉमन रूम तुम्हारा है। या राइट। I am so stupid. Oh. Ah, very stupid. You can hear me? Actually, nahin. Guess kar raha hu ki aap aage kya bolne wali ho. Sorry. Theek hai, but I understand. By the way, my name is Sikandar. Sikandar Singh. I'm Jessica. Nice to meet you, Jessica. Nice to meet you, Sikandar. Thank you.
मगर बात जरा प्राइवेट है। सुनो ना, हमने तुम्हें यहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल
1001 समझ गए ना, तो एक घंटे में आ सकते हो क्या? ये तो बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ तुमसे। अरे तुम कहो तो तुमसे पहले पहुंचकर हार और तिलक लेकर खड़े हो जाए, हुक्म करो। हाँ तो आ जाओ फौरन। ओके बढ़िया, सी यू इन 1 आवर। दस साल बाद देख रहे हैं हम तुमका, आज भी एकदम पहलवान लग रहे हो टोटली। अरे हमरी छोड़ो भैया, खुद को देखो है, एकदम टनाटन। अभी भी गांव में मिश्रा जी की डेयरी के सामने खड़े हो जाओ ना, तो लड़कियों को युचित कर सकते हो भैया। अरे गांव की बात मत करो, डिप्रेशन हो जाता है। बताओ काम का है? शमशु तुम ही तो जानते हो कि हमारे बॉस वो जॉनी श्रीवास्तव का मनाली में एक 7 स्टार होटल है। हाँ यार है, बहुत जबरदस्त। हाँ पर ये नहीं जानते कि होटल में होता क्या। उस होटल को इंडिया के पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन जो हैं वो पेट्रोनाइज करते हैं, इसलिए नहीं कि वो एक्सक्लूसिव है, इसलिए कि वो जबरदस्त अयाशी का अड्डा है। हाँ ब्रोथेल, और उस बात को सिलेक्टेड VIP जानते हैं भाई। यहाँ हर तरह के वो क्या कहते हैं सेक्सुअल परवर्जन पेश किए जाते हैं, लेकिन इन पॉलिटिशियंस को ये नहीं पता कि जॉनी ने होटल के हर सूट में मल्टीपल स्पाई कैमरा लगा रखे थे जो उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड करते थे। ये बात सिर्फ जॉनी जानता था और मैं, पर पता नहीं भैया ये बात कैसे लीक हो गई और राणा को उन वीडियोस का पता चल गया। अभी 4 दिन पहले जॉनी एक तो डील के लिए अलशिफा आया था, बस राणा के आदमियों ने उसका किडनैप कर लिया। अब किडनैपिंग के बाद राणा के आदमियों ने जॉनी का टॉर्चरिंग शुरू किया और पूछा कि हार्ड डिस्क कहाँ है। जॉनी बेचारा तो डर के मारे ऐसे ही सब कुछ बता देता, लेकिन अचानक जो है जॉनी को हार्ट अटैक आया और जॉनी बेचारा मर गया। मतलब दिल का डोर बंद हो गया तजर्बा से एकदम। और वो वीडियोस कहाँ है? वीडियोस जो है वो इस हार्ड डिस्क में है। ये हार्ड डिस्क अगर हाथ लग जाए तो हम का नहीं कर सकते। Mind-boggling. ये सोने की खान है, पर ये हार्ड डिस्क है का? हार्ड डिस्क कंबोडिया के एक छोटे से बैंक एसनाल बैंक के लाकर नंबर 7003 में बंद है। अब तुमको जो करना है भैया कि वो हार्ड डिस्क वहां से चुराना है। वाह दोस्त, हो तो तुमरे जैसा। कीमत मांगने से पहले तुमने बैंक और लॉकर दोनों का पता बता दिया। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया तो है, पर डिस्क जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है शमशु, और इसका पासवर्ड सिर्फ हमें जानता हूं। पासवर्ड का पैनल टच सेंसिटिव और प्रेशर सेंसिटिव है, इसीलिए पासवर्ड डालते वक्त हमारा जिंदा और सही सलामत रहना बेहद जरूरी है। ये भी बढ़िया है। ब्रजेशवा को $1 बिलियन बेरा बॉन्ड्स में और $1 बिलियन ऑफिशियली चेक में चाहिए। बैंकर से लोन की बात करनी पड़ेगी और पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करेगा हमारी तरफ से इंटरपोल ऑफिसर खन्ना। $2 बिलियन, $1 बिलियन ऑफिशियली और $1 बिलियन बेरा बॉन्ड में, और वो भी एक हार्ड डिस्क की खातिर, और ब्लैकमेल करत है कौन? इंटरपोल ऑफिसर खन्ना, अश्लील खन्ना, अश्लील टी। भाई जी हमका तो ये डील की नियत और अंजाम दोनों ही पल्ले ना ही पड़त है। बेस्ट ऑफ टाइम का बोले? बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ टाइम। ऑक्सफोर्ड में पढ़कर आए लेकिन ढेरे की समझ ना ही, अंजाम और नियत की बात करते हैं हमसे। अरे वो हमका $10 बिलियन भी मांगे होते ना तब हम मना नहीं करते, सब कुछ पेट बांट कर दे देते। क्या क्या है हमारा? इका स्कॉच बिस्की कोई साथ नहीं दे रहा हमारा, चतुरा गला भी नहीं। कहा थे कथो? डू योर जॉब, गेट द 2 डैम बॉक्सेस हियर।
बैठो मुन्ना, नियत तो जो तोहरे बाबूजी और हमारे माथे पर जो बरसों पहले कनक लगा उसे मिटाने का है, और उसका अंजाम ही होगा कि हम सर उठाकर इज्जत के साथ अपने गांव हांडिया वापस जा सके। यही हमारी नियत और उसका अंजाम। बस तोहरे भरोसे ही काम किए हैं हम। भाई जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमारी जान जोखिम में डालकर वो हार्डिस आपके लिए लाएंगे जरूर, ताकि हम आपको आपके गांव हांडिया इज्जत के साथ भेज सके। बहुत होम सिक हो गए मुन्ना, बस हमका गांव भिजवा दो ताकि हमका रेस्ट और कैंपस कभी जरूरत ना पड़े। रा रा रे रे Nice party, Raghu. What's the occasion? Mr. Khanna is arrived. Yes, excuse me, sir. Officer Khanna is arrived. Dear our politicians, Raghu, इनका लेवल कितना गिर चुका है, अपनी अय्याशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हम जैसे ऑफिसर्स इनके इशारों पे काम करते हैं। शेमलेस स्पीकर, समझते हैं खन्ना, जिनकी वजह से सारे पॉलिटिशियंस का नाम खराब हो जाता है। लेकिन एक बात तो है सर, ये हार्ड डिस्क अल शिफा टू इंडिया का गाइडेड मिसाइल है, और इस मिसाइल को तुम लॉन्च करोगे। पार्टी के बाद रघु तुम्हें इसकी सॉफ्ट कॉपी दे देगा, और उसका क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। $1 billion, इट्स अ बिग अमाउंट आपके लिए गोयल जी। जी 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 जी, लगता है कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील होने जा रही है। सॉरी सर, हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं। आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, और सिंह साहब, इस लोन के लिए आपको थोड़ा कोलैटरल देना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी सॉरी सर। द मैन हिमसेल्फ, माय हीरो, मैं इनके लिए काम करता हूं, मेरे भाई जैसा, सिकंदर सिंह। हाय, नाइस टू मीट यू, सिकंदर सिंह। नाइस टू मीट यू। और सूरज, माय बॉस सन। हाय, वेरी नाइस टू मीट यू। हाय, नाइस टू मीट यू। यू सिंग टू? अ लिटिल। व्हाट? No, they're twins, and that's their cousin. And yes, they are all Singhs. Nice. Hi, Sanjana Singh. Hi, nice to meet you. Oh my gosh, she's so pretty. Yeah, she is. By the way, ये मिली कहाँ तुम्हें? ये मैं भी पूछना चाहता हूँ. चली क्या? हाँ. I'm happy. Come on, let's have some drinks. A round of shots for everybody! Hey, let's party!
secured. I loved your party. Thanks. Olga, it was so nice to see you. I'm going to call you. Yes. Okay? यहाँ से छोड़ गया इसे. लव यू बेबी. बाय. सिकंदर तो ठीक है. संभाल कर लेकर जाओ. अरे ठाकुर गए हो. तीन ड्रीम तो संभलती नहीं इससे. ये जेसिका को क्या संभालेगा. मैं भी तो वही कह रहा हूँ संजू. जेसिका को कैसे संभालेगा. सुन तू बड़ा खुश लग रहा है. नहीं खुश हूँ लेकिन अभी तो कुछ कच्चा है. सुबह तक पका के बताता हूँ. ओह आस्तीन आ जा मिलने. विश्वास नहीं भरोसा नहीं ट्रस्ट नहीं उसे क्यों मिलना चाहते हो तुम. अभी भी इतना गुस्सा. इट्स अ ग्रेट गाय यश. कब मिली उससे. कब मिली कैसे मिली और क्या रिश्ता है. That's none of your business. ये बात पूछने का ना तुम्हें कोई हक है ना अधिकार. और अगर मुझे पता होता कि तुम यश के बॉस हो तो मैं यहां कभी नहीं आती. यू आर सच अ जर्क. You're right. I was a jerk. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. I'm really sorry, Jessica. उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की. You're right. Come on. I'm sorry. Jessica, I know कल रात को ज्यादा हो गई. And I'm sorry about it. यश वो बात नहीं है. Just leave her alone. समझने की कोशिश करो यश. Jessica. Please, please. Stop acting like a child now. You grow up. यश, Jessica. कहीं जा रहे हो. मैं नहीं. ये जा रही है. Married मैंने नहीं. Married? क्यों? कोई कारण? मैं यहाँ comfortable नहीं हूँ. यहाँ? हाँ. ओ मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में नहीं पड़ूंगा यार. योर थिंग. गर्लफ्रेंड मुबारक हो. थैंक यू. बाय यश. एंजॉय. जेसिका. देखो इनको देखते देखते इतने बड़े हो गए. लेकिन समझदार कब होंगे मन्ना. डैड द बेरा बोन्स जैसे पार्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट में बॉन्स के लिए वेट कर रहा होगा. जी सिकंदर तुम जाओ. जी भाई जी. ये यश तूने उसके दे. अब देख वो तुझे कैसे गोली दे रहा है. रो इसे दिल नहीं डेल खोल कर दिखाओ. ये उस पे यकीन करेगा. सो वेट 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 मुझे वो हल वापस देखना है. What passion, bro? What passion? हक तो समझ में आता है. दोस्त भी करते हैं. पर स्मूथ.
कहाँ है वो? बात सुनो, कहाँ है वो? मैं यहाँ, राइट हियर यश, राइट हियर यश. हाउ कुड यू डू दिस टू मी मैन? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? रिलैक्स. रिलैक्स सिकंदर, सिक्के के दो साइड्स होते हैं, एक तरफ भाई जैसा दोस्त और दूसरी तरफ लड़की. लेकिन याद रखना, फैमिली और फैमिली के प्रति लॉयल्टी से बढ़कर कुछ नहीं होता. यू 100% राइट यश, 100% राइट. लेकिन इस सिचुएशन में लड़की सदमे में आके बहुत सारे बड़े बड़े डायलॉग्स बोल रहा है. अब मेरा भी छोटा सा काउंटर सुन ले. हर बात के दो पहलू होते हैं, टू पहलूस. इसमें चार है. ये वही जेसिका है जो मुझे बेजिंग में मिली थी तेरे मिलने से 6 महीने पहले. तुझे क्या लगता है ये ऊपर से आके हमारी झोली में अटपकी है? ये कोई चमत्कार है? You think this is a coincidence? I said stop it. This beautiful... I said stop it, Sikandar. Please. Jessica, this is between brothers. I can't lie to him. Aur vaise bhi Jessica, jis relationship ki buniyad jhoot par tiki ho, how's that bloody ever going to work? और तुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुझे धोखा दिया? फॉर व्हाट? फॉर अ गर्ल? एक लड़की के लिए? तुझे हकीकत जाननी है? स्क्रू इट, ब्रेक इट ऑफ. तो सुन, उस दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे जेसिका का एक नोट मिला जिस पे लिखा था, हे बेब, आई एम गोइंग टू बी आउट फॉर अ कपल ऑफ डेज, समथिंग अर्जेंट हैज कम अप, आई विल कॉल यू, लव जेसी. जब मैं अपना लैपटॉप लेने गया तो मैंने क्या देखा कि मेरे पैसों की बैग मिसिंग थी. डस्टबिन से मुझे जेसिका का एयर टिकट मिला. मैम, यस, यू विल हैव टू कम विद अस. थैंक गॉड यू आर हियर. देयर हैज बीन सम कंफ्यूजन. यू थिंक आई हैव स्टोलन समथिंग. इज शी द वन? अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई चोरी नहीं की. सिकंदर, you know me. और जब उसके बाद मैं अपने होटल वापस आया. एक्सक्यूज मी सर, आई बिलीव दिस इज योर्स. प्लीज आप इसके कॉन्टेंट्स चेक कर लें. हमारी सिक्योरिटी टीम ने एक जूनियर स्टाफ को इसके साथ पकड़ा. वी आर वेरी सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस. इसमें कोई लड़की इन्वॉल्व थी? नहीं सर, ही वॉज वर्किंग अलोन. थैंक यू. एक्सक्यूजली सॉरी सर. तो जेसिका ने चोरी नहीं की? शी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मदर मां के गिरफ्तार हो जाने के बाद मैं अपने रूम में गया, फीलिंग लाइक शिट. सोचा थोड़ा सा शेरलॉक होम्स बन जाता. अब जब मोहब्बत पर भरोसा नहीं रख सकते तो बिजनेस पर कैसे रखें? अब तू तो जानता है कि हर डॉक्यूमेंट्स और पैसों के साथ मैं एक स्पाई कैम छुपाता हूं. जब स्पाई कैम देखा तो क्या देखता हूं? तो इसका मतलब बैग जेसिका ने ही चुराया था? हां. लेकिन मेरे जहन में एक बात आई, उस चोरी के पीछे सिर्फ ये दो खूबसूरत हाथ ही नहीं है. मैं पुलिस स्टेशन गया और जेसिका जी को मैंने बाइज्जत रिहा करवाया. सुनो मेरी बात. मुझे कुछ नहीं सुनना है. तुमने मुझ पे शक किया, तो कुछ यू एंड मुझे लगता कि हमारी रिलेशनशिप स्पेशल है. आई विल नेवर वांट टू सी योर फेस अगेन. प्लीज बी क्वाइट जेसिका. ये ड्रामा बंद करो. ओवर ब्लडी एक्टिंग. मुझे पता है कि बैग तुमने चुराया है. तो वीडो बड़े अनोखे तरीकों से तुम मुझसे मिली. वेरी नाइस. आई कुड हेल्प बट जस्ट फॉर अ मोमेंट. फिर एक ऐसी सिचुएशन बनाई गई जिस पर मैं तुम पर शक करूं, वो शक गलत निकले एंड आई फील लाइक शिट.
अगर मैंने स्पाइक काम नहीं लगाया होता आई स्टिल बीन फीलिंग लाइक शिट। अब मैं तुमसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि तुमने खुशी खुशी ये सब किया और क्यों? मुझे ये सब क्यों करने के लिए कहा गया इसकी वजह ना मैं जानती हूं ना मैंने पूछी। When the money is that good, why ask questions? जेसिका को किसने हायर किया? जेसिका को किसने हायर किया? सूरज और संजना ने। काफी खुराफाती दिमाग पाया दोनों ने। I know. लेकिन ये दोनों ये सब कर क्यों रहे? वो हम दोनों को भिड़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने ट्विंस को सिक्योरिटी रूम में वही दिखाया जो वो देखना चाहते थे। पर यश, तुम्हें उन दोनों से ये कहना है कि हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है और सिकंदर ने प्रॉमिस किया है कि वो हमारे बीच में नहीं आएगा। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों की क्लियर कर दो कि तुम किस तरफ हो। I'm sorry, यश, तुम्हारी। It's cool. लेकिन उन दोनों का प्लान क्या है? I don't know. जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ वो नहीं जानते हैं उस रेस का सिकंदर मैं। तो जानते हैं द होल वर्ल्ड has declared a war on drugs. According to our recent Interpol reports, the drug industry... Excuse me. Hello? Bahut busy ho Khanna. Kab se phone laga raha hu. Phone nahi utha rahe ho. Sorry Shamshir sahab, conference mein tha. Boliye na. 8 politicians ke naam maine text kiye. You know what to do. Consider it done, sir. Badhiya hai, badhiya. Speak to you later. Raghu, ek joker aur 8 politicians. Ab dekho ye joker game ko kaise palatta hai. देखिए वीडियो किसी भी तरह बाहर नहीं आनी चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है कि कुछ दिनों बाद आपको अल शिफा आना है। इन वीडियोस और फोटोज का निगोशिएशन वही होगा। ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। किससे मिलना है? जगह और टाइम आपको मैसेज करके बता दी चाहिए। What's wrong with you, Yash? कुछ नहीं वो सिकंदर मेरा मतलब जेसिका के बारे में सोच रहा था। सोचो यश बाबू सोचो। अब लाइफ पर सोचना ही तो है। गर्लफ्रेंड के साथ एक्स बॉयफ्रेंड जो मिला है पैकेज डील में। इट्स नॉट फनी सूरज। सिकंदर ने प्रॉमिस किया है कि वो मेरे और जेसिका के बीच में नहीं आएगा। और तुमने यकीन कर लिया? ब्रो यार यश कितना बोल रहे यार। इस बात को देखने के दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मेल और एक फीमेल। मेल पॉइंट ऑफ व्यू, सिकंदर जानता था कि तू जेसिका के लिए सीरियस है, करेक्ट? तब भी उसने रात को 2 बजे उसे सिक्योरिटी रूम में बुलाया। क्यों? और अगर तेरी और जेसिका की शादी हो गई तू तो इन दोनों पे हमेशा शक करता रहेगा। अगर ऐसा हुआ जो कि मेरे हिसाब से 100% होने वाला है तो तू क्या करेगा? तू कुछ नहीं कर सकता यश, क्योंकि सिकंदर तो तेरा भाई है, तेरा मेंटर, तेरा सब कुछ। और इस सब कुछ के बीच में तेरी वाइफ का आशिक भी। जली, अब फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे? मेरा क्या करूं मैं, डैम इट। सिंपल, टीम सिकंदर छोड़ के टीम ट्विंस ज्वाइन कर लो। बिजनेस में 10% की पार्टनरशिप और जेसिका भी 100% तुम्हारी। कितने हुए?
110. So Yash Babu, the ball is in your court, bro. स्ट्रीट के म्युनिसिपल प्लांट्स का लेआउट है। आप नाइट क्लब बुक कर लीजिए, हम तनिक अकाउंट खुलवा के आवत है। Once again, thank you so much, sir, for opening a big account in our bank. You're welcome. Please stop. This is your locker. Please take your bank. So much, sir. See you later, alligator. Big guy. 10% में तो क्या, 100% में भी ना बिकू। हाँ, अगर कोई यार से खरीद ले तो अलग बात है। They don't make men like you anymore. उनकी modus operandi क्या है? बहुत होशियार है, कुछ नहीं बताया। It's not jeans. खून में दौड़ता है, रग रग में है, पूरे फैमिली में। सर, वो सिक्कू बाबा और बाकी सारे वेट कर रहे होंगे प्रीमियर रूम में, उनको 12 बजे का कहा था। चलते हैं रघु। और वो ब्लाइंड स्कूल वाले आए हैं डोनेशंस के लिए। नाम भर देना। यश खता, क्या अपडेट्स है? शमशेर साहब, आपने तो कबूतरों के बीच बिल्ली छोड़ दी, सारे पॉलिटिशियंस मीटिंग करने के लिए तैयार है। बढ़िया है, बढ़िया। सो वी मीट एग्जैक्टली आफ्टर 8 डेज। Yes, sir. So, इस डिजिटल स्क्रीन पर है SRL बैंक का स्ट्रीट लेआउट। ओके भाई जी, मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये हाइस्ट सिर्फ फैमिली करेगी। बेटर, मच बेटर। करेक्ट है, घर वाले ही मिलकर साथ करेंगे। या ब्रो, हार्ड डिस्क की चोरी सैटरडे नाइट को होगी। ये है SRL बैंक और ये उसका बेसमेंट। सॉरी डैड, भूख लगी है। SRL बैंक के बेसमेंट में ये रहा लॉकर रूम। लॉकर 7003 में है हमारा हार्ड डिस्क। बैंक से लगकर ये नाइट क्लब है। इस नाइट क्लब और बैंक की दीवार से लगती थी एक ड्रेनेज है। सूरज, संजना, यश, आप तीनों कंबोडिया सैटरडे नाइट को फ्लाइट से पहुंचोगे। एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में तुम्हें एक येलो वैन मिलेगी। येलो वैन गाइस? येलो? हाउ टैकी गाइस,
एक बार सुन लो प्लीज। सुन तो रहे हैं। और यश बाबू, हम दो वो लोग हैं जो बिना पढ़े भी फर्स्ट आ जाते हैं। तुम दोनों रेस में अकेले भी भागोगे ना, फिर भी सेकंड आओगे, समझे? और मैं कंबोडिया हेलीकॉप्टर से पहुंचू। हाथ देना प्लीज। घबराओ मत, शादी के लिए नहीं मांग रहा। माइक्रोफ्लूइड ट्रैकिंग डिवाइस, इससे हम लोग एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं। माइक्रोफ्लूइड ट्रैकिंग डिवाइस, बिकॉज अगली बार जब हाथ मांगोगी ना तो सोच समझ कर मांगना। कंबोडिया की आबो हवा सूट करने लग गए, और अच्छा हो गया। चलिए
Let's go. See you later. पार्टी टुमारो श्योर है आई गेट ऑर्गेनाइज बाकी सब कहां है सिक्कू वाया वाया आ रहा है कल शाम तक पहुंच जाएगा एंड आई सॉ यशन संजना एक आध घंटे में आते होंगे किसका फोन है जैसे कहा था डैड का है डैड हाँ तुम्हारे डैड वीडियो कॉल कर रहे हैं ये लो क्या डैड एंड ऑल पहले उन्हें हमारे बारे में बता तो दो आई नो आई फील शेड अबाउट इट ये स्ट्रेस खत्म हो जाए उसके बाद मैं सूरज और डैड से बात करूंगा आई लव यू यश क्या सोच रही हो You know what? जिस तरह से तुमने पूरा प्लान पुल ऑफ किया है ना आई एम श्योर व्हाई ए जेसिका को तुमने सिकंदर की लाइफ में प्लांट किया बी तुम्हारे कहने पर उसने सिकंदर से कहा कि उसे मैंने और सूरज ने प्लांट किया है एंड द बेस्ट पार्ट सी वो ध्यानचंद इसमें इतना उलझा कि तुम्हारे बारे में ध्यान ही नहीं दिया दैट्स जीनियस राणा ये तुम्हें क्यों फोन कर रहा है चल संजना हमारे बिजनेस में दुश्मन जितने कम हो उतना ही बिजनेस बढ़ता है और कंबोडिया राणा का गढ़ है अगर मैं चाहूं तो सिकंदर को वहीं मरवा दूं लेकिन तुम्हारी मां की विल ने उसे बचा लिया माँ का विल उसमें एक क्लॉज है अगर तुम तीनों में से किसी की अननेचुरल डेथ हो गई तो उसका हिस्सा चैरिटी ट्रस्ट को चला जाएगा एंड आई कांट लेट दैट हैपन पर मुझे सिर्फ एक बात खटक रही है जेसिका उसे सब पता है जेसिका ये छोटी मोटी कॉनिंग करके तुम साल में कितना कमा लेती हो 3 लाख डॉलर मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा काम क्या है दो काम है एक जो मैं कहूं वो तुम्हें करना होगा दूसरा नो क्वेश्चंस दैट्स इट डील कम ओवर गेम ओवर Did I even know you, Yash? मैं तो तुम्हें एक बहुत ही लॉयल और ईमानदार आदमी समझती थी वही तो हूं मैं लेकिन हमारे लिए आज की दुनिया में अगर अपनी जिंदगी जीनी है तो छोटा मोटा सेल्फिश होना पड़ेगा वहां बैठो ना
50 years, and if you want, I can kill you right now. Nein. Let him stay alive. Tumhara baki ka paisa tumhe mil jayega. Okay, Rana sahab. Jaako raake saiya, maar sake na koi. जाको राके साइया मार सके ना कोई. What? Explaining. Thank you.
Idiots. Sorry. Kya? Sorry. It's okay. Sare jhatke, when is this gonna end, man? ये जिंदगी की रेस के झटके ये पैदा होने से पहले शुरू होते हैं और ना मरने के बाद खत्म होते हैं. वो 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 टू डीप बाउंसर. इन शॉर्ट मैं उन सालों को छोड़ूंगा नहीं. Whoever bloody is responsible for this. Oh shit. Shoot up. Get them. Need help. कपड़े भी मैं ही बनाऊं. Okay, hold that.
to break up. He never let up, never let up, never let up. Super naughty, super naughty. Baby forever, baby forever, ever, ever, ever. I don't know that. I swear, this is ridiculous. भैया के साथ जो भी कंबोडिया में हुआ उसमें हम दोनों का कोई हाथ नहीं था. और क्या नाम है उसका? जेसिका. हाँ, जेसिका. ये जेसिका वाला क्या मैटर है? क्या जेसिका वाला मैटर डैड? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सिकंदर के दिमाग में ये भरता कौन है. ठीक है सूरज, तुम अपनी तरीके से छुपाओ, मैं अपनी तरीके से फाइंड आउट करूंगा. और अगर ये बात सच निकली तो तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा. फिर मैं देख लूंगा. क्या देख लोगे डैड? आपको हम दोनों दिखते भी हैं? नहीं, मुझे तो लगा आपको अपने ब्लू आइड बॉय सिकंदर के सिवा कोई दिखता ही नहीं है. सिक्को. सारा बिजनेस कौन चलाएगा? सिक्को. सारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? सिक्को. हम सब में सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट कौन है? सिक्को. आई एम सिक ऑफ दिस सिक्को डैड. बट इनफ इज इनफ. तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चाहते हो? स्प्लिट. स्प्लिट? यहां का काम हम संभालेंगे, ये अपना हिस्सा लेकर यहां से चले जाए. वी हैव नो प्रॉब्लम बट फॉर गुड. तुम लोग काम संभालोगे? हाँ, तुम लोग. Exactly, Dad. आप हमेशा हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं. What? अंडर एस्टिमेट? मैंने तुम लोग से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. Expectations. Dad, expectations की आप बात ना ही करें तो अच्छा हो. क्या अच्छा और क्या बुरा मैं अच्छी तरह जानता हूँ. और जब तक मैं हूँ कोई बंटवारा नहीं होगा. अब मान भी जाइए ना डैड, आखिर आप ही तो कहत रही बांटने से प्यार भरत रही. हम कहत है कि बांटने से प्यार भरत है, बंटवारे से नहीं. लेकिन बिटिया, ना तुम ठीक से अपनी भाषा सीख पाई ना भाव. मुझे सिकंदर पर पूरा भरोसा है और जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती तुम दोनों कोई गड़बड़ नहीं करोगे. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? श्योर डैड. बैंक से कोई इंसान का फोन आया था, हमारे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन सैंक्शन हो गया है. बैंक के डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुम तीनों साइन कर देना. गुड नाइट. सर, वेरी सर. क्या करें?
बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है। भाई जी अभी तक जागृत हो? गांव की अदावत है, आप कहे तो रेस्टिल या कामपोज लाए देते हैं आपके लिए। तुम ही तो हमारे कामपोज और रेस्टिल हो, आओ ना तनिक हमारे साथ थोड़ी वॉकिंग कर। हमको कहां पता था कि उन दोनों के हृदय में तुम्हारे लिए इतनी नफरत है। ससुरी पैसे और पावर का क्या करे, बत्ती बना के अपनी तिजोरी में डाल दे। अब तो हमारी सुई अटक गई है, डील पूरी करके हमको हांडिया वापस जाना है। भाई जी ये डील फील तो हो रहेगी, अगर बुरा ना माने तो एक तो बात कहें हम आपसे, ये मैटर को आपने हैंडल वही गलत किया। अगर आप उनको इतना प्यार इतनी इज्जत देंगे और वो भी उन दोनों के सामने, तो वो तो हमसे उतनी ही नफरत करेंगे ना भाई जी। बहुत ही पते की बात कही है तुमने सीखो, ये बात हमें पहले ही समझ में आई थी, तो हमारा परिवार नहीं टूटता। परिवार टूटे दुश्मनों का, ये हमारा चैलेंज है भाई जी। हमारा परिवार ना कभी टूटता है और ना ही कभी बंटवारा होता है। आप रिलैक्स रखो भाई जी, हम है ना। जासिका यहां तक कर ली, काम तो खत्म हो गया, अब मेरी कीमत कब ओवर कर रही हो? यही कहा था ना यश ने, यॉर्क पर बग काटने वाले थे, माइक्रो ट्रांसमिटर्स सुनने वाले। लिसन, नो यू लिसन स्वीटहार्ट, तुमने और यश ने मुझे एक कॉन्वेंस समझकर हायर किया था, वो मेरा कवर था, मैं एक गवर्नमेंट एजेंट हूं। तुम्हारी फैमिली की पूरी ब्रीफ है मेरे पास, मैं तो यहां आई थी लीगल आर्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा था। हार्ड डिस्क, पॉलिटिशियन का ब्लैकमेल, बिग मनी। रिलैक्स, तुम्हारी फैमिली की सीक्रेट सेफ है मेरे पास। चीयर्स। यू आर राइट। Thank you.
कितने पैसे चाहिए? Have you lost it, Yash? We are not paying this damn woman. Sanjana, please. Don't behave like your brother. Let's just get over with this. Speak. मुझे $50 million चाहिए पेयर बॉन्ड्स में. दोपहर 12 बजे मरीना वाले लैंप पोस्ट के नीचे ये बैग रख देना. 1 मिनट भी लेट हुए तो तुम सबकी गेम ओवर. सैम. यस सर. जैसे जैसे कहे उसका आदमी बैग उठा दे. फॉलो देम. पेपर्स हैं प्लीज साइन देम. आई जस्ट इन्फॉर्म द हेड ऑफिस आधे घंटे के अंदर आपके अकाउंट में $1 million ट्रांसफर हो जाएंगे. शुक्रिया. यश खन्ना. शब्जी साहब सारे पॉलिटिशियंस आ चुके हैं. ठीक है आधे घंटे पर पहुंच रहे हैं. पता है मुन्ना हांडिया की एक मशहूर कहावत है वक्त से पहले कुछ नहीं होता. आज तुमने अपने भाई जी को बिना मोल के खरीद लिया. बरसों पहले जो कहानी शुरू हुई थी आज तुम्हारी वजह से खत्म हो रही है. क्या करें भाई जी जब भी हम आपकी आंखों में आंखें मिलाते हैं ना हमको हमारे बाबूजी की तबीयत से भर पेट याद आवत है. ये हमने हमारे परिवार के लिए किया और परिवार के लिए किसी की जान भी लेना पड़े ना हम पीछे नहीं हटेंगे. सिकंदर की जितनी तारीफ की जाए कम है. खरा सोना है खरा प्योर गोल्ड. काश वो मेरी औलाद होता. इतिहास की एक बहुत बुरी आदत है रघु यह हमेशा अपने आप को दोहराता है. बेटा भी आज वैसा ही मरा जैसे बाप मरा था. इतने बड़े भाई साहब आज जहां भी होंगे अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होंगे. गॉड ब्लेस द सोल्स. चलो रघु पॉलिटिशियन इंतजार पे होंगे. All good, Dad? I've got a bad feeling about this. आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज. कुछ ही देर पहले मेरा भतीजा सिकंदर जिसे मैं अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करता था अनफॉर्चुनेटली एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई. 1 मिनट ऑफ साइलेंस प्लीज. Thank you, gentlemen. But the show must go on. Please be seated. I'll come straight to the point.
आप लोगों के वीडियोस के बदले मुझे आप में से हर एक की स्टेट में एक 25,000 स्क्वायर फीट का सेज एरिया चाहिए, जहां मेरे आर्म्स के साथ ड्रग्स भी आएंगे। कोकेन, एलएसडी, एमडीएमए, हेरोइन वगैरह वगैरह वगैरह। कम गिरो, कम। My new business partner, come. मुनाफे के धंधे में जो लोग दुश्मनी करते हैं वो बेवकूफ होते हैं, क्यों रखो? डील के डिटेल्स बता दो ना। बच्चा बच्चा जानता है कि ड्रग्स सर से पैर तक नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी इसका डिमांड हर साल 300% बढ़ते जाता है। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी वी कैन मेक। और इस काम के लिए आप सबको हर साल $50 million दिए जाएंगे। यश, नाउ यू टेक ओवर। यहां एड्रेस ना दिखा दो, डिसीजन लेने में आसानी होगी। कम कम राणा, लेट्स सेलिब्रेट आवर बिजनेस पार्टनरशिप टुगेदर। सिकंदर मॉम, मेरी बेटी, जब तुम्हें ये टेप मिलेगी तब तुम 25 साल के हो चुके होंगे। मुझे अपने खून पर पूरा यकीन है, जो काम मैं तुम्हें सौंपूंगी उसे तुम पूरा जरूर करोगे। तुम्हारे पिताजी को हालिया के किसी नेता ने नहीं, बल्कि हमारे दूर के रिश्तेदार शमशेर सिंह ने मारा है। वही शमशेर सिंह जिसे तुम्हारे पिताजी ने एक भाई का दर्जा दिया। जब तुम्हारे पिताजी की मौत हुई तब मतलब कहूं कि सूरज और संजना मेरी कोख में थे। शमशेर सिंह पे भरोसा करके मैं यहां आज शिफा चली आई। सूरज और संजना के जन्म के बाद मुझे पता चला कि ये पूरा षड्यंत्र शमशेर सिंह का ही बनाया हुआ है। वो मुझे स्लो पॉइजनिंग कर रहा है, लेकिन मरने से पहले मैंने ऐसी विल बनाई है कि शमशेर सिंह जहां कर भी मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो तीनों भाई बहन में तुम सबसे बड़े हो सिकंदर। हमारे वंश को बचाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये वीडियो इस हाकस में कैसे आया? कैसे आया? अब तक तो तुम लोग जान चुके होंगे कि तुम दोनों मेरी औलाद नहीं हो। ये सब कुछ मैंने अपनी औलाद के लिए किया है। माय किड, मेरा असली बेटा है यश। लेट्स गो। आई एम गोना किल यू गाइस। नो, बोथ ऑफ यू। नो प्लीज। मॉर्गेज के पेपर साइन करके तुमने अपनी मां का बिल तो फेल कर ही दिया है। फॉर मी यू आर फ्रेश। कैसे बात हम लोग जो सोया भाई था उसे दुश्मन समझा और दुश्मन को बाप। भाई की इतनी याद आ रही है तो पहुंचा रहे भाई के पास। Whoa!
किया होते ना। से मन ने अरे चाखो राखे साइया मार सके ना कोई। मिस्ड यू ब्रो, वी मिस्ड यू, आई मिस्ड यू टू। तुम दोनों को दो मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकता। ये फटी फटी आंखों से कहा देखा तो भूत देख लिया का भाई जी? हमका थोड़ा सा टाइम दे दो। वो क्या है ना कि जिंदगी भर हम तुमको भाई जी बोले हैं, कमीना बोलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना कमीने। मैं तेरी असलियत 10 साल पहले जान चुका था और ये 10 साल हर रोज हर पल मैं मरा हूं। जब तू मेरे गाल पे हाथ लगाता था तो मुझे एहसास होता था कि मेरी मौत कैसे तड़प तड़प के मरी है। जब तू गाना गाता था मुझे एहसास होता था कि तुमने मेरे बाबूजी को किस तरह मारा। और जब तुम मुझे गले लगाते तो मुझे एहसास होता था कि तुमने हम तीन भाई बहन को कैसे जुदा रखा। तू बाप के प्यार की खातिर बिक गया। सिकंदर, दो रास्ते हैं। पहला, अपना कोई गलती करे तो उसका साथ छोड़ दो। दूसरा, अपना कोई गलती भी करे तब भी उसका साथ मत छोड़ो। और तूने साथ नहीं छोड़ने का साथ दे दिया। तेरा काम है अपने माता पिता का बदला लेना और मेरा काम है अपने पिता की रक्षा करना। अरे 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 बिटवा, ये का बुलशिट मेलोड्रामा करे थे? सिकंदर जानत कि हम करो काम, इंश्योरेंस की बिना नहीं कर। ये का कर दिया आगू? इसमें 50 ग्राम जिलेटिन है जिसका डिटोनेटर हम दबा चुके हैं। बात हम जानते हैं तुम्हारे बाबूजी के एहसान उतारने के लिए हमने जाने कितने सालों से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, आज मिल गई। और आज पहली बार तुमने इसे इसके सही नाम से पुकारा, कमीना। सिकंदर, वो तो तुम्हें जंडर ऑफर कर रहा था, लेकिन तुम तो दो साथ के पीछे भाग रहे थे। गो, चलो साथ में चलते। ये है तुम्हारा इंश्योरेंस, ये दौलत, ये हथियार, ये ड्रग्स। अच्छा, और तोहरा? परिवार, इंसानियत, मोहब्बत।
टू सेट फॉर्मेशन.
क्या कह रहा था कि मैं अपने माता पिता का बदला लूं और तू अपने पिता की रक्षा करेगा, तो कर रक्षा। दिस इज द टाइम ब्रो। कभी उसका बंटवारा होगा। एक और बात हमने तुमसे कही थी कि हम तुमको तुम्हारे गांव भेजेंगे जरूर,
इज्जत के साथ हांडिया। मन्ना अभी खत्म नहीं हुआ है, हमका पता है पर तोरा चैप्टर और हुई कवर है। ठीक है मारा ही बेबी। सबके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ब्रिंग इट ऑन। हाउ डिड यू डू दिस? आई मीन तुम्हें कैसे पता चला कि जैसिका को यश ने प्लान किया है? क्योंकि सूरज और संजना मेरे इतने करीब कभी भी नहीं थे कि उन्हें यह पता हो जहां पर भी मैं पैसे रखता हूं वहां पर मैं एक स्पाइक कैंप भी रखता हूं। बैड हैबिट, लेकिन अब मैं एक और नाम लूंगा। शूट। वो नाम है यश। और वो हार्ड डिस्क तो हमेशा से मेरे पास थी। फर्जी हार्ड डिस्क। जो जैसिका पैसे ले गई थी वो चेस। जैसिका के पैसे जैसिका के साथ घर में आ गए ना। आपके लिए एक ऑफर है, यह है जॉनी की हार्ड डिस्क, उसे अनलॉक करना है। और मेरे पैसे? $50 million इन बेरर बॉन्ड्स। और वो मां का वीडियो? क्या इस जन्मदिन पर तुम्हारी मां ने तुम्हें यह देने को कहा था? एक बार देख लो। सेक्सी आंखों जीत रहा हूं। तुम्हारा प्लान स्टार्टिंग से चल रहा था? फैमिली को साथ लेकर चलने का प्लान शुरू से चल रहा था। अब क्या बताएं जीरा साहब, कुछ काम मुझसे भी ऐसे हुए जिसका मुझे बहुत अफसोस है। भाई को मार दिया, भाभी को मार दिया, अपने बच्चों के पैसे हड़प लिए, अपने सगे बेटे को गलत रास्ते पर डाल दिया। कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है? किसलिए? पैसे के लिए, पावर के लिए। कहां है वो पैसा, कहां है वो पावर? सब यहीं का यहीं रह जाता है जिगर साहब, यहीं का यहीं। पैर छोड़िए। सुना आपकी पत्नी शकुंतला बहुत बीमार रहती है, किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे है। पर आपकी बेटी कुशल ना डॉक्टर बनना चाहती है, मेडिकल सीट के लिए 1.5 करोड़ का तो खर्चा आएगा। और ये भी सुना कि आप 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं। जरा अपने फैमिली के बारे में सोचिए। रेस अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि शमशेर अभी
जिंदा है। मतलब एक और रेस होगी। हाँ पर उस रेस का सिकंदर, उस रेस का सिकंदर, हाउ वुड आई नो। Cheers. Cheers. Cheers.